बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के चुनाव खत्म हो गए हैं, सत्ता के समीकरण भी बदल चुके हैं, मगर जमशेदपुर की फिजाओं में घुले चुनावी तल्खी अभी भी जारी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हार का ठिकरा पार्टी के जय चंदो पर फोड़ा है। वहीं सरयू राय ने चुनाव कैंपेन में रघुवर दास के भाई पर मूलचंद साहू और उनके परिवार पर कई आरोप भी लगाए थे, और अब सरयू राय समर्थकों की ओर से एक दिलचस्प पोस्टर वॉर शुरू किया गया है, जिसका मजमून है, ना जयचंद्र ने मारा ना मूलचंद्र ने मारा, अहंकारी को उसके अहंकार ने मारा। चुनाव के बाद अब एक नया पोस्टरबाजी शुरू हुआ, क्या कहेंगे इस पर, किस कौन इस तरह का जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी भी तस्वीरें हैं, सरयू राय की भी तस्वीरें हैं और कई और भी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें। सरयू राय जी 2005 से जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए, दो बार चुनाव जीते, एक बार चुनाव हारे। यहाँ के जनता से काफ़ी लगाव था उनको और यहाँ की जनता काफ़ी उन पर विश्वास करती थी, लेकिन अचानक जिस प्रकार रघुवर दास जी ने उनका टिकट काटा और वो पूर्वी से चुनाव लड़े, तो यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। ये यहाँ के स्थानीय जनता कार्यकर्ताओं का भावना है अपना कि जयचंद ने उन्होंने जिस प्रकार पार्टी संगठन में से ये बात उठने लगा कि जयचंदों की खोज, तो इसमें लोगों ने कहा कि भाई जयचंद है, मूलचंद जी का भी कार्य का थोड़ा जानकारी ले ले रघुवर जी, अपने कर्मों का करमचंद अपने कर्म जो किए हैं उनके बारे में भी थोड़ा विश्लेषण कर ले वो, और तब जाके अच्छा रहेगा कि सारी जानकारी हासिल करने के बाद उनको ये पता चले। तो जमशेदपुर में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो चली है। हमारे संवाददाता संतोष जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं संतोष के पास। संतोष, चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव के दौरान भी जमशेदपुर पूर्वी काफी हॉट सीट बनी रही थी और चुनाव खत्म होने के बाद भी जमशेदपुर में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। जी निश्चित विनीता, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा 2019 का जो जमशेदपुर जो है पूर्वी विधानसभा, ये एक हॉट सीट था, लेकिन यहाँ ये बता दें कि रघुवर दास ने जैसे ही चुनाव का हार का जो ठीकरा पार्टी के जयचंदों पर फोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो है वो पार्टी के पूर्व नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से कहा कि जयचंदों के चलते हमारी हार हुई है, तो जयचंद के रूप में कहीं ना कहीं उनका निशाना जो सरयू राय की तरफ था, तो सरयू राय ने भी पोस्टर वार के जरिए इशारा किया कि उनके अभिमान के कारण जो है पार्टी की दुर्दशा हुई है, और ये अब आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता है, इससे किसका क्या भला होना है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल जमशेदपुर में जो है पोस्टर वार वो चरम पर है और इसको लेकर के दोनों ही ओर से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब यहाँ टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, और उसी का ये परिणाम है कि इस तरह के जो है पोस्टर वार खुलेआम सड़कों पर देखा जा रहा है। विनीता संतोष, जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं कि अहंकारी को उसके अहंकार ने मारा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया पूर्व सीएम रघुवर दास का आया है? देखिए विनीता, मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से तो प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन अगर सब बीच चौराहे पर इस तरह का पोस्टर अगर लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी बात तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता उसे नहीं देख रहे हैं और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उस पर कहीं ना कहीं है तो उनको देना चाहिए सामने आकर। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि पोस्टर बीच चौराहा पर लगाया गया है और सीधा निशाना किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका कोई जवाब आए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या लगता है, जैसे ये चुनाव के दौरान भी ये सीट काफी हॉट सीट थी, चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन वहां अभी भी पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, ये वॉर कहां तक जाएगा? देखिए ये बता पाना तो मुश्किल है विनीता कहां तक जाएगा। कुल मिलाकर जनता को विकास चाहिए, चुनाव के वक्त जो भी हुआ वो उसको अब भूल करके, चाहे जो भी जीते हो चुनाव, उनको जो है क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम करना होगा, नहीं तो जिस तरह से जनता 25 साल के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकती है, तो आने वाले 5 साल में अगर वो वायदों पर खरा नहीं उतरते तो जनता इसका हिसाब भी लेना जानती है। कुल मिलाकर के जनता को विकास चाहिए, ऐसे पोस्टर वार के जरिए सिर्फ एक सामाजिक विषाद पैदा किया जा सकता है, सामाजिक विकास नहीं लाया जा सकता है, तो पोस्टर वार नहीं होना चाहिए। और इस तरह के खास करके जमशेदपुर जो है एक काफी सुंदर शहर माना जाता है, और विकास यहाँ नहीं करेंगे जनता यहाँ पर अपना हिसाब लेना भी जानती है विनीता।
चुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम के बाद भी जमशेदपुर की राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पब्लिक लोग से भी पूछिए एक बार मैडम। ठीक है